हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ऑफ 7.3 एंड देन टॉपिक कॉम्बिनेशन एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.4। सो लुक एट 10th क्वेश्चन ऑफ 7.3 एक्सरसाइज। इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर सो इन दिस क्वेश्चन फोर आईज नॉट कम टुगेदर। देर आर फोर आईज इन मिसिसिपी, फोर एस एंड टू पी, टोटल 11 लेटर्स इन मिसिसिपी इन विच फोर आई, फोर एस, टू पी एंड वन एम। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बी 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट आंसर 34,650, बट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ परमुटेशन वेन फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो हो सकता है फर्स्ट आई फर्स्ट प्लेस पर हो, सेकंड आई थर्ड प्लेस पर हो, थर्ड फिफ्थ प्लेस पर हो और फोर्थ सेवन्थ प्लेस पर हो। सो इस तरह से बहुत सारे वेज बनेंगे, हम सारे सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन में से हम वो वाले माइनस कर देंगे, वो वाले वर्ड्स माइनस कर देंगे जिसमें आईज जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं। सो इफ़ फोर आईज कम फोर टेक फोर आईज टुगेदर एज वन, सो टोटल लेटर्स विल बी 11 माइनस 4 प्लस 1, देन इट इज 8। सो नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन फोर आईज टुगेदर 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, दीज आर 8, सो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बिकॉज 4 एस आर देयर एंड 2 पी आर देयर, सो 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 840, दिस इज 840। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन फोर आईज आर नॉट टेकन टुगेदर 34,650 में से हम 840 माइनस कर देंगे, देन आंसर विल बी 33,810। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन। इन 11th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। सो देर आर थ्री पार्ट्स इन दिस, वी विल डू फर्स्टली फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वेन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वेन वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। सो इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, देन पी एंड एस विल बी फिक्स्ड, पी इज फिक्स एट फर्स्ट प्लेस एंड एस विल बी फिक्स एट लास्ट पोजिशन। सो पी एंड एस विल फिक्स, देन देर आर 10 लेटर्स इन बिटवीन दैम बिकॉज देर आर 12 लेटर्स इन परमुटेशन। तो बीच में कितने लेटर्स बचेंगे आपके पास, 10 लेटर्स। सो वी विल अरेंज 10 लेटर्स, सो 10 लेटर विल बी अरेंज बाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2 टीज आर देयर, उसमें परमुटेशन में 2 टी हैं, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी 18,14,400। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट दिस आंसर। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, वोवल्स आर टुगेदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वोवल्स आर टुगेदर। सो लुक एट इन परमुटेशन, देर आर ई यू ए आई ओ, देर आर 5 वोवल्स इन दिस। सो इफ वी वॉन्ट टू टेक वोवल्स आर टुगेदर, सो वोवल्स 5 वोवल्स को आप एक ले लो, पाँचों वोवल को क्या ले लो, 1। सो नंबर ऑफ लेटर्स विल बी 12 माइनस 5 प्लस 1, दीज आर 8। सो नंबर ऑफ वेज विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज टी इज 2 टाइम, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। वाई 5 फैक्टोरियल, बिकॉज दीज 5 लेटर्स विल अरेंज, दीज विल अरेंज सो बाय 5 फैक्टोरियल वेज। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट आंसर 24,19,200। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, देर आर 4 लेटर, देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। We know that there are 12 places, these are 12 vacant places, and if P is at first place, then 1, 2, 3, 4, S is at 6th place, if P is at 2nd place, S will be at 7th place, if P is at 3rd place, S will be at 8th place. So if P is at 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th place, then S is at 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 7 ways to fill P and S in which 4 letters are there. Okay, but if S is at first place, then P will be at 6th place. So if P, S and P, similarly S and P may be filled up
in 7 ways. Clear? So total number of ways will be 7 plus 7, 14 ways. These are 14 ways. और बाकी जो 10 letters हैं वो कितने ways से arrange हो सकते हैं? 10 factorial upon 2 factorial. So 10 into 9 into 8 into 7 up to 2 factorial, cancel with 2 factorial, answer will be 18,014,400. But this is according to one combination. अगर हम इसमें एक combination लेते हैं कि P आपका first place पर है और S जो है वो sixth place पर है. P first place, S sixth place. So बाकी जो 10 letters हैं वो कैसे arrange हो सकते हैं? 18,014,400 ways से. तो ऐसे 14 combination है तो multiply with 14, so answer will be this. Now come to next topic, combinations. What is combinations? Suppose there are four different objects A, B, C and D. Taking two at a time, अगर हमें दो एक time पर लेने हैं तो हो सकता है A, B ले लें, हो सकता है A, C ले लें, maybe A, D, maybe B, C, maybe B, D, maybe C, D. Okay, so we want to select only two letters from these. So by these by six ways. आप इसके लिए formula use कर सकते हैं 4C2. 4C2. So look at this formula. NCR. What is the formula of NCR? N factorial upon R factorial into N minus R factorial. And so 4C2 will be 4 factorial. N is 4 here, R is 2. So R factorial means 2 factorial. Here 4 minus 2, N minus R, 4 minus 2. So it is 2 factorial. After solving, we will get answer 6. So we will do some properties here. We know that NPR is equal to N factorial upon N minus R factorial. If you multiply, if we will divide this by R factorial, it will be NCR. So we can write NPR is equal to NCR into R factorial. अगर हम इसको R factorial से multiply कर दें, R factorial cancel with R factorial, it will be NPR. So relationship between NPR and NCR is NPR is equal to NCR into R factorial. Now NCN, what is NCN? N factorial upon N factorial into N minus N factorial. After solving we will get 1. So we have to learn this NCN is equal to 1. Same here, NC0 is 1. NC0 is 1. This is also NC0. So NCR formula is N factorial upon R factorial into N minus R factorial. So 0, R will be from 0 to N. Now NCN minus R. NCN minus R को हम लिख सकते हैं N factorial upon, this is N minus R. N minus R factorial into N minus R. After opening the bracket, it will be minus and R will be plus. So N cancel with N. So this will be this. And this is same formula of NCR. So we can write NCN minus R is equal to NCR. NCN minus R is equal to NCR. Now one more theorem related to this, NCA is equal to NCB. If NCA is equal to NCB, either A is equal to B, या तो A B के equal होगा, या फिर A plus B किसके equal होगा? N के equal. So look at this last theorem हमने अभी की थी. NCR is equal to NCN minus R. NCR किसके equal होता है? NCN minus R. So R plus N minus R is equal to N. So same here, if NCA is equal to NCB, तो A या तो B के equal होगा या A plus B किसके equal होगा? N के equal. Same here, NC4 is equal to NC4 या फिर NC4 किसके equal होगा? NCN minus 4. Now come to theorem number 6. We will have to learn this theorem also. We will use this result in one question. NCR plus NCR minus 1. NCR plus NCR minus 1. We can write N plus 1 CR. N plus 1 CR. Now come to exercise 7.4. First question, if NC8 is equal to NC2, we want to find out NC2. So in this part, we can solve NC8 separately, NC2 separately, but we will use one property, this fifth property. If NCA is equal to NCB, either A is equal to B or A plus B is equal to N. So look at this, these two are equal, N is equal, but this not equal to this, A not equal to B. So that means if these are equal, then their sum equal to N. So 8 plus 2 is equal to N. So N is equal to 8 plus 2, that means 10.
So n value is 10 here. We want to find out nc2 means 10c2. 10c2 को क्या लिख सकते हैं? 10 factorial upon 2 factorial into 10 minus 2 factorial. After solving we will get 45. Now come to second question, first part. 2nc3 ratio, nc3 is equal to 12 is to 1. So firstly we will use the formula 2nc3. It means ncr. So 2n factorial upon 3 factorial into 2n minus 3 factorial. This is n, this is r. So 2n factorial upon r factorial into n minus r means 2n minus 3 factorial. Same nc3 here, n factorial, 3 factorial, n minus 3. So look at this, 2n factorial ko hum 2n minus 3 factorial tak la sakte hain. So 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 factorial. Same n factorial ko hum n minus 3 factorial tak la sakte hain. So we will cancel these, this cancel with this. This is n, this is also n, we can cancel these. This is 2n minus 2, 2n minus 2 mein se agar 2 common lete hain, to it is n minus 1. N minus 1 cancel with n minus 1. After cross multiplication and solving, we will get n is equal to 5. Now come to third question. In this question, how many chords can be drawn through 21 points on a circle? अगर आपके पास एक सर्कल है और उसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, दीज आर 21 पॉइंट्स, तो कितनी कोर्ड्स बनेगी? वी नो दैट टू पॉइंट्स को मिलाकर एक कोर्ड बनती है. सो इन 21 वी हैव टू सेलेक्ट टू पॉइंट एट वन टाइम. सो नंबर ऑफ कोर्ड्स विल बी 21C2. सो वी विल यूज़ फॉर्मूला NCR, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल. आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट आंसर 210. सो देर आर 210 कोर्ड्स. नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन. इन फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? आपको 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है. सो वी वॉन्ट टू सेलेक्ट, सो वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन. सो देर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं. तो 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड इन 5C3 वेज एंड 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड इन 4C3 वेज. सो 5C3 टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5C3 इंटू 4C3. सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 40 वेज. ओके, नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम एज फोर्थ क्वेश्चन. सो लुक एट सिक्स्थ क्वेश्चन. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 नेस इन ईच कॉम्बिनेशन. वी वॉन्ट टू सेलेक्ट 5 कार्ड्स एंड देयर आर 52 कार्ड्स एंड वी वॉन्ट टू सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 नेस. इट मीन्स वी नो दैट देयर इज 1 नेस इन देर आर 4 एसेज इन 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं और बाकी जो बचेंगे वो नॉन एस बचेंगे. इट मीन्स वी वॉन्ट टू टेक 1 एस फ्रॉम दीज 4 एंड रेस्ट ऑफ 4 फ्रॉम 48. सो 1 एस कार्ड फ्रॉम 4 एसेज कैन बी सेलेक्टेड बाई 4C1 ways and 4 cards can be selected, remaining 4 cards can be selected from 48 cards in 48C4 ways. So total number of ways will be 4C1 into 48C4. So 4C1 we know that this is 4, okay, and 48C4, firstly solve it and we will get answer this.